क्या आपने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया है और उस पोर्टफोलियो को बनाते वक्त आपने बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का रिव्यू करेंगे और इस रिव्यू को करने के दौरान हम ये डिटेल में जानेंगे कि कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में हम काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाएं। हमारे यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी पे आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त सबसे पहले आपको खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग और इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करना है। अगर आपने खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया तो आप हमारे वेबसाइट फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी पे इसे फ्री में कर सकते हैं और रिस्क प्रोफाइलिंग से आपको ये पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। उसके आधार पर ही आप डिसाइड करेंगे कि इक्विटी में आपका एलोकेशन कितना होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने सालों तक अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होराइजन के आधार पर यह डिसाइड होगा कि आपका एलोकेशन इक्विटी में कितना होगा और इक्विटी में जो एलोकेशन होगा उसमें भी आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन लेंगे। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स को अगर इक्विटी में अपना एक्सपोजर लेना है तो वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, लार्ज कैप और साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड्स के थ्रू इक्विटी में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ पे जो मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है वो आपको फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू मिल सकता है। और अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स से ज़्यादा जरूर रखें और साथ ही यहाँ पे अपना एक्सपोजर काफ़ी कम रखें। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल है अग्रेसिव, दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स या उससे भी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपको भी लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर अबाउट 40-50% जरूर रखना चाहिए और बाकी का एक्सपोजर आप मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ले सकते हैं। तो मिड कैप का एक्सपोजर आप 20-30% रख सकते हैं और स्मॉल कैप का एक्सपोजर आप 10-20% रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप का एक्सपोजर आप मैक्सिमम अप टू 30% ही रखें, उससे ज़्यादा एक्सपोजर जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं हो, लाइक 10-15-20 फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है तो 2-3 फंड्स आपके लिए सफिशियंट है। अगर पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो 4-5 फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप किसी इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एट मैक्स अप टू 6 फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ हम अपने 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो नंबर 1 पोर्टफोलियो है उसमें टोटल 4 स्कीम्स हैं। इस पोर्टफोलियो में IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ICICI प्रो ब्लू चिप फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो फर्स्ट 3 फंड्स में एलोकेशन है 20% ईच का और लास्ट फंड दैट इज स्मॉल कैप फंड में इनका एलोकेशन है 40% का। यहाँ पे अगर आप क्वालिटी ऑफ फंड्स देखें तो सारे फंड्स अच्छे क्वालिटी के हैं। नंबर ऑफ फंड्स देखें तो सिर्फ 4 फंड्स हैं, तो नंबर ऑफ फंड्स वाइज भी यहाँ कोई इशू नहीं है। सो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। सिर्फ एक इशू है यहाँ पे, दैट इज लार्ज कैप के स्टॉक्स में इनका अगर आप एक्सपोजर देखें तो उसके लिए 2 फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है, IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और ICICI प्रो ब्लू चिप फंड। तो इन दोनों ही फंड्स में जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों फंड्स में पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 57% का है। तो यहाँ पे आउट ऑफ दीज 2 फंड्स एक फंड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल है। तो या तो आप IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रखें या फिर ICICI प्रो ब्लू चिप रखें। तो यहाँ पर ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में 3 फंड्स सफिशियंट है। इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि ये पोर्टफोलियो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर टोटल एक्सपोजर का 60% है। इस तरह का पोर्टफोलियो आप तभी बनाएं जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से ज़्यादा हो और साथ ही आपका रिस्क एपेटाइट वेरी अग्रेसिव हो। नाउ हम अपना सेकेंड पोर्टफोलियो चेक करते हैं। इस पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 स्कीम्स हैं और क्वालिटी वाइज ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया गया है HDFC इंडेक्स, S&P सेंसेक्स फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है HDFC सेंसेक्स फंड के थ्रू,
मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है पीजीएम इंडिया मिड कैप के थ्रू, और स्मॉल कैप और थोड़ा मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है केनरा रूबी को स्मॉल कैप के थ्रू। यहाँ पे लार्ज कैप फंड में एक्सपोजर लिया गया है 50% का, मिड कैप में एक्सपोजर लिया गया है 30% का, और स्मॉल कैप के फंड में एक्सपोजर लिया गया है 20% का। तो ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है प्रोवाइडेड आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है। अगर आप भी खुद का इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा है, आपका रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, तो आप खुद के लिए इस तरह का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप ध्यान में रखें कि लार्ज कैप में आप अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही फंड सेलेक्ट करें, वहाँ पर आप दो फंड सेलेक्ट नहीं करें। और अगर आप लार्ज कैप के लिए कोई इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप सेंसेक्स या निफ्टी, इन दोनों में से कोई एक फंड सेलेक्ट करें, और एज अ सेकेंड फंड आप अगर चाहें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का भी एक एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एक और फंड चाहिए, इन दैट केस आप लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर फोकस्ड फंड या फिर मल्टी कैप फंड या फिर फ्लैक्सी कैप फंड, इन फोर कैटेगरीज का कोई एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां से भी एक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ध्यान में रखें कि वहां पे आप सिर्फ इंडेक्स फंड या फिर ETF में भी अपना इन्वेस्टमेंट करें, वहां पे आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। नाउ हम अपना थर्ड एंड फाइनल पोर्टफोलियो चेक करते हैं। इस पोर्टफोलियो में टोटल 4 स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स हैं पराग पारेक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट फोकस्ड फंड, HDFC मल्टी कैप फंड एंड केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। नंबर ऑफ फंड एंड क्वालिटी ऑफ फंड वाइज इस पोर्टफोलियो में कोई मेजर कंसर्न नहीं है। पराग पारेक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट फोकस्ड फंड एंड केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स नंबर थर्ड फंड HDFC मल्टी कैप फंड एक नया फंड है जो कि दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था, तो ऑफकोर्स इस फंड के परफॉर्मेंस पे अभी कमेंट करना सही नहीं होगा। इस पोर्टफोलियो को देखकर ऐसा लगता है कि आपने सही से अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है। जब भी आपको किसी अच्छे फंड के बारे में किसी से पता चला होगा या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपने उस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। शायद आपने ये नहीं ध्यान में रखा कि वो पर्टिकुलर फंड आपके लिए सुटेबल है या नहीं, आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है या नहीं। क्योंकि जब भी आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर तो अच्छा यही होता है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। उसके साथ आप अगर चाहें तो एक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या फिर फोकस्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही फंड सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली आपका जो कोर होगा वो होगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसे मार्केट्स का अच्छा आइडिया है, इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा आइडिया है, तो वो इस तरह के फंड्स को लेकर भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है, क्योंकि वहां पे वो इन फंड्स का सेपरेटली मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेगा और वहां पे वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर एड अप करेगा और फिर देखेगा कि रफली उसका रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिस दैट वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे मार्केट्स का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो फिर आप इस तरह के फंड्स को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में रखना अवॉइड करें। यहाँ पे केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड ऑफकोर्स स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो इसमें अलग से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो टॉप 3 फंड्स हैं पराग पारेख या मेरे या फिर HDFC मल्टी कैप, इस तरह के फंड्स में से कोई एक ही फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। एक बार आपने खुद का इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना लिया तो आप ट्राई करें कि 3-4 मंथ्स में एक बार इसका डिटेल रिव्यू जरूर करें। डिटेल रिव्यू में आप देखेंगे किन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो अच्छे फंड्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो एक बार आपने इन अच्छे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फ्यू मंथ्स के या फिर एक या दो साल के थोड़े अंडर परफॉर्मेंस के कारण इन फंड्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करें। इन फंड्स में आप लॉन्ग टर्म तक बने रहें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।